अभी कल एक खबर थी अंग्रेजी अखबार में कि जीडीपी अपने देश की बड़ी आगे चली गई और 2.11 लाख पर कैपिटा जीडीपी आ गई इस देश की। अब दुनिया का 0.64 पर कैपिटा वन अवेलेबल है, अपने देश में 0.08 है। उस जीडीपी तो किसकी होगी भाई, आप समझ लो, जिनकी इतनी विशाल शादी हो रही हो, जहां 1000 करोड़ रुपया खर्च हो। जीडीपी उनकी है, मेरी और आपकी तो नहीं होती भाई, पर हवा मिट्टी जंगल पानी का पेड़ ये नहीं कहेगा कि ये आनंद जी को देना है, हवा मुझे और पानी उसको देना है, नदी, ये कभी नहीं कहती कि किसकी हूं मैं। इकोनॉमी और इकोलॉजी में एक अंतर जरूर समझ लेना चाहिए, इकोलॉजी सबकी होती है, इसलिए सबका भाग होता है। अब मान लिया एक परिवार विशेष धनाढ्य उद्योगपति ने बहुत मेहनत करके अपना बड़ा विशाल साम्राज्य खड़ा किया, ठीक है, वो उसको योग्य है क्योंकि उसने उस पर मेहनत की, लेकिन हवा मिट्टी जंगल पानी तो सबको चाहिए, तो क्या सबका दायित्व तो नहीं होना चाहिए? क्या हम औपचारिकताओं में ही बटे रहे, छटे रहे? तो मैं ये कह रहा हूं कि जब वन नीति भी आई, पर क्या हम पूरा बना पाए? इन 40 सालों में जब से वन नीति आई है, क्या जंगलों की आग की रफ्तार नहीं बढ़ गई? क्या दुनिया में तमाम तरह की प्रजातियों के लुप्त होने की शुरुआत नहीं हो गई? क्या ऐसे कौन सी बात हो चुकी अगर पिछले 40-50 सालों की हम यात्रा अपने विकास की मान लें इस देश की, अब 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कितना कचरा हमारे चारों तरफ है और कितना समुद्र में चला गया, नदियां सूख गई, जंगल विलुप्त हो गए, प्रजातियों का स्वरूप बदल गया, वनों की परिभाषा को आज तक हम बता नहीं पाए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमको क्लाइमेटिक फॉरेस्ट की बात करनी चाहिए। मैं जहां पैदा हुआ, जहां जमीन है जिसका एक उसकी हवा मिट्टी पानी से जिसका मतलब है, वो वहां का वन है, जिसका उससे कुछ लेना देना ना हो या प्रकृति के प्रति उसका रिश्ता उतना गहरा नहीं है, तो शायद उसको उस वन के दर्जे में नहीं रखा जाता। कमर्शियल कह सकते हो भाई, लीसा देता है, टर्पाइन देता है, या ये देता है, वो देता है, लेकिन अब सारी बात यह है, जहान का समय चला गया, अब जान बचाने की बात भी शुरू होनी चाहिए। आपकी जान संकट में है। दिल्ली के लोग देखिए, रोजाना टीवी में जरा सा पॉल्यूशन होता है, तमाशा बचाता है, ये साहब ये हो गया, वो हो गया, दम घुट गया, उसके बाद वो निकला, किसानों को गाली दे दी कि पराली जला रहे हैं, अपनी गाड़ियां सड़कों में कितनी उतरी हुई है। अब आप देखिए ना, विज्ञान तकनीकी का बोलबाला है। अब विज्ञान तकनीकी ने क्या किया, पानी खत्म हो रहा था, बर्बाद हो रहा था, तो पानी की बोतल का व्यापार आ गया, वाटर प्यूरिफायर आ गए, विकल्प नहीं निकाला कि हमारा पानी की वापसी कैसे हो, कैसे शुद्ध पानी हमारे हर घर में हो, वो नहीं निकाला। मिट्टी खत्म होने लग गई तो केमिकल फर्टिलाइजर आ गए, आप जहर खा रहे हो आज, और यही हालात आपके प्राणवायु के, अब एयर प्यूरिफायर आ गए, उत्तरकाशी की हवा बिक रही है गाजियाबाद में, ये हमने उस पर भी धंधा शुरू कर दिया। तो जब ऐसी मनोवृत्ति समाज की हो जाए और वो बॉल को फेंके सरकार की तरफ, सरकार फेंके लोगों की तरफ, लोग फेंके सामाजिक संगठनों के जिन्होंने तथाकथित पर्यावरणविद है उनकी तरफ, और ये घूमता रहेगा मामला, लेकिन अंत की शुरुआत हो चुकी है, इसे स्वीकार लीजिए आप दुनिया भर में।